हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। ये आज हमारे एक सब्सक्राइबर हमसे मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। जेपी। जेपी कहाँ से? पुंगा, होशियारपुर। होशियारपुर से आए हैं और इनके पास दो डॉग हैं। मेरे से नहीं लिए, लेकिन मेरे को दिखाने, चेक करने या उसका डाइट प्लान वगैरह बात करने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये देखिए, अमेरिकन बुली। क्या बोला सर साइज इसको? सुनो, साइज क्या बताया? पॉकेट। पॉकेट, या ये पॉकेट, माइक्रो पॉकेट, माइक्रो पॉकेट कह लो। वैसे बहुत बढ़िया है, माइक्रो साइज में शायद जाएगा। देखिए इसका फेस साइड से बिल्कुल, ये जो क्वालिटी में होता है ना अमेरिकन बुलीज, इनका फेस कभी कभी पग की तरह दिखता है आगे से। बिल्कुल नोज अंडर को छोटा नोज, मजल कह लो, ब्रॉड फेस। लेकिन इसमें एक है कि इसकी पूंछ है जो, वो अगर आप यूं पकड़ोगे तो वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी घूमी हुई है। इसको हम किंकी टेल कह देते हैं। किंकी टेल अमेरिकन बुली में ये नॉर्मली होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसकी किंकी टेल है ना, छोटी टेल, ये नॉर्मल बुली से छोटी रह जाएगी और थोड़ी सी यूं जिगजैग में होगी शेप में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्योर नहीं होते, ये बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं। बट द क्वालिटी हेयर चेक करना है तो फ्रेंड्स देखिए इसका फेस, पॉज, लुक एट द ब्यूटी। दूसरा, ये जो कलर है मोस्टली मेरे फ्रेंड पसंद करते हैं, ब्लू। ये उससे 10 दिन ऐसे बड़ा होगा सर? हाँ जी, 10 दिन ऐसे बड़ा है माय फ्रेंड। इसकी टेल पूरी है जैसे अमेरिकन बुलीज की होती है, सीधी है, लेकिन इसका साइज अलग है। ये शायद उससे हाइट में ऊपर चला जाएगा ना, ये लगभग आई थिंक पॉकेट से ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, वो छोटा रह जाना, ये थोड़ा बड़ा ऊंचा हो जाना। लुक एट द ब्यूटी, ब्लू आईज। इसका हमने बॉडी वेट चेक किया, कितना आया था? 3.5 किलो, लगभग अराउंड 3 किलो उसका बॉडी वेट आया था, 1.5 किलो। तो एक और इसमें मुझे अच्छी बात लगी, जब भी आप गर्मियों में डॉग को ट्रैवल कराओ, कभी कभी जाना पड़ता है डॉग को साथ में लेकर गाड़ी में या बाइक में या स्कूटर में, तो इन्होंने इस तरह की एक बास्केट ले रखी है माय फ्रेंड। ये डॉग इसमें रखे हैं, उसमें एक भीगा हुआ टावल, टावल गीला कर और साथ में एक ठंडे पानी की बोतल। इसमें आप बर्फ डाल सकते हो, कैसे भी, ठंडे पानी की बोतल ये सेंटर में रख छोड़ी है। एक डॉगी को इधर से ठंडी मिलेगी, एक इधर से। तो नीचे वो टावल भी गीला हो गया और ठंडे पानी की बोतल। तो अगर वैसे ज़रूरत ना पड़े कि आपको ऐसी ट्रैवलिंग करानी पड़े, लेकिन कभी सम और डॉग बीमार होता है या कभी लेकर जाना पड़ता है कहीं, तो आप इस तरह प्रिकॉशन, जैसे अभी आप देखो बाहर का टेम्परेचर 45 से प्लस है आ जाए, तो आप प्लीज़ जितना हो सके, जब तक ये बच्चे खुद अपना बॉडी टेम्परेचर में बैलेंस नहीं कर सकते या संभाल नहीं सकते, डिहाइड्रेट होने का डर रहता है, तो एक्स्ट्रा केयर के लिए बहुत ज़रूरी। और इनको बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये कहते हैं कि इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉग बनाना है, तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को यही फीड चाहिए। बट आप हमेशा अपने डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी को, अभी ये पूछ रहे थे क्वांटिटी कितनी डालनी है ना, क्वांटिटी हमेशा डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी पर निर्भर करती है। 1.5 चम्मच से स्टार्ट कीजिए। छोटा पप्पी है, दिन में 4 टाइम खाना देना है, 4-4 घंटों के बाद, सुबह मान लीजिए 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे। लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी देखो, ये दोनों की एज में 10 दिन का फर्क है, ये दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। लेकिन क्या है, एंड ऑफ द डे बात कहाँ आती है, प्रॉब्लम कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। हो सकता है ये 1.5 चम्मच ही बड़े आराम से खाए, और ये वाला हो सकता है कि 100 ग्राम या 70 ग्राम बड़े आराम से एक टाइम में खाए। जस्ट फॉलो डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी ही चेक कीजिए। बाकी देखिए, दोनों ही अमेरिकन बुली हैं, बट दोनों का एज का बहुत डिफरेंस है, बॉडी कलर मार्किंग एंड स्पेशली फेस। उसका मजल लंबा है और ये वाइट एंड ब्लैक वाले का मजल छोटा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। अपने बारे में बताइए, क्या करते हो आप? सर अभी तो मैं लॉकडाउन में घर में ही हूँ। ओके, वैसे जॉब करते थे चंडीगढ़। ओके, ये पहले बठिंडा में रहते थे? बठिंडा। ओके, और अभी शिफ्ट हुए हैं होशियारपुर। कैसा लगा हमारी सिटी? बहुत अच्छी। होशियारपुर काफी अच्छा शहर है ना? हाँ जी, काफी लोग होशियारपुर में, लोग ज्यादा फास्ट मूविंग नहीं है, सिंपल सिटी है, स्लोली सिटी है, और फूड के मामले में होशियारपुर नंबर 1। आजकल कोरोना का डरते हैं, लेकिन नहीं तो होशियारपुर में आपको हिमाचल का, पंजाबी का, पंजाब का हर एक मिक्स फूड मिलेगा,
बहुत टेस्टी और ब्यूटीफुल सिटी है होशियारपुर, जरूर विजिट कीजिए। और इनके ये साथ हैं फ्रेंड, क्या नाम है सर आपका? पिंदरी। ये काफ़ी समय से कैमरामैन की ड्यूटी दे रहे थे, तो हमने कहा इनके इंट्रोड्यूस करवा दें आपको। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू। बस मैं एक कहना चाहूँगा भी तुम डॉग जितों मर्जी रहो, सर भी यही कहते हैं, पर तुम एक बार सर डॉग अपना जरूर कर चैक जरूर कराओ, तो असली फीड वधिया फीड तो तुम्हें गाइडेंस वधिया मिलेगी, तो तुम उस डॉग की क्वालिटी चैक कर सकते हो थोड़े दिनों से। बस थैंक यू सर। थैंक यू। मैं भी इनसे अभी यही बात कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं है कि डॉग मेरे से लो, जहाँ से मर्जी लो। डॉग को जब हम बनाते हैं ना माई फ्रेंड, वो एक ही झटके में एक ही महीने में डॉग नहीं बनता, उसका एक क्रिकेट मैसेज मैच की तरह सेशन बाय सेशन, कि पहले वैक्सीनेशन और दूसरे वैक्सीनेशन में उसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, डॉग फीड ने रिजल्ट दिया, डिवॉर्मिंग सही की, मल्टीविटामिन कैल्शियम ने रिजल्ट दिया, फिर दूसरे से तीसरे वैक्सीनेशन में कैसे डॉग कितना बॉडी वेट गेन किया, फिर तीसरे से चौथे, ऐसे एवरी सेक्शन जो वैक्सीनेशन होता है 20 या 30 दिन के बाद, या जो भी आपके डॉक्टर साहब बोलेंगे, हर 20-30 दिन के बाद डॉग का बॉडी वेट चेक कीजिए, बॉडी वेट ग्रोथ, फिर उसकी जैसा आप चाहते हो कि कैसा वो जा रहा है, नहीं तो फिर आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ ब्रीडर हमेशा अपनी तरफ से डूइंग बेस्ट कि आपको बेस्ट और द बेस्ट क्वालिटी दे, लेकिन उसको बेस्ट बनाए रखना, मेंटेन रखना, ये हम पर डिपेंड है माय फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग सर। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।